हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे जहां भी होंगे। अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने की सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो आप लोग एक राइट प्लेटफॉर्म पर आए हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, ये सब कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगा। हिंदी मीडियम वालों का जो रिजल्ट गिरता चला जा रहा है, हमारा उद्देश्य है उसको एक बार फिर से बूम अप करना। तो यहाँ पर हम सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप लोग, बहुत ज्यादा हेजिटेशन होता है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को जूम मीटिंग के थ्रू आपको एक मौका देते हैं। यहाँ पर आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं जिससे आप लोग अपने आप को इम्प्रूव और एनहांस कर सके। इसके अलावा हम आपको टास्क प्रोवाइड कराते हैं जिससे स्मार्ट स्टडी करके आप लोग कम पढ़ के ज्यादा आउटपुट दे सके। ये टास्क होता है ना, बहुत ही साइंटिफिक रूप से डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आज आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, साथ में आपको यहाँ पर रिविजन किस टॉपिक का करना है और साथ में करंट अफेयर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मैपिंग टास्क दिया जाता है, उस मैपिंग टास्क को आपको डेली लोकेट करना होता है। तो सब कुछ बहुत ही साइंटिफिक रूप से डिजाइन किया गया है। आप लोग इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और सिर्फ 99 रुपए में आप लोग इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और वन टाइम पेमेंट अगर आप लोग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 60% डिस्काउंट दिया जाएगा। उसका कूपन कोड लास्ट में आप लोगों को बता देंगे। तो अगर वन टाइम पेमेंट करेंगे तो 999 रुपए में आपको 1.5 साल तक सब कुछ ए टू जेड प्रोवाइड कराया जाएगा और 2 साल तक आप लोग जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी देख पाएंगे। सब कुछ हमारी ऑफिशियल ऐप क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर चलता है, तो आप लोग जाकर के उसको इंस्टॉल कर लेना। अभी हम लोग सब विस्तार में बात करेंगे इसके बारे में। तो अचीवर बैच है ये, अभी हमने लॉन्च किया है। तो अगर आप लोग 2022 में पेपर दे रहे हैं तो हमारे सेकंड फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एक हमारा पुराना बैच भी चल रहा है, ये थर्ड बैच आपको देखने को मिलेगा। इस बैच में ये 3 जनवरी से स्टार्ट होगा और इस बैच में 1.5 साल के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर करा दिया जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक बार टास्क, कि टास्क क्या होता है और सिर्फ हमारे क्लब में ही आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये फ्रंट पेज है, यानी कि अपॉर्चुनिटी है, वो कभी किसी का वेट नहीं करती है। आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करना नहीं है बैठ करके, बल्कि आपको अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटी बनाना है। जो अपना हक है वो आपको जाकर के छीनना है, तो वही लोग सफल होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सेकंड फाउंडेशन बैच है उसका स्ट्रेटजी है यहाँ पर, वही एक बार हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप लोगों को भी दिया जाएगा जो अचीवर बैच में ऐड होंगे। ओके, तो आप देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से आपको सबको दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि फर्स्ट टास्क के बारे में दिखाते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया था एकदम बेसिक से एडवांस तक ले जाते हैं। तो देखिए, डे वन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, टास्क वन है। तो यहाँ पर बताया जाता है ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 क्लास आज आपको पूरी पढ़नी है एक दिन के अंदर। यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि कितने दिनों में हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट हो गया ना। दूसरा, यहाँ पर मैपिंग लोकेशन है, तो मैपिंग लोकेशन को भी हम एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप है उन्हें आरोही क्रम में लगाना। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो पहले तो आपका जो टास्क है वो 1.5-2 घंटे में पढ़ करके समाप्त हो जाएगा, लेकिन हल्के हल्के ये बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे और इतना कभी नहीं बढ़ेगा कि आप इसे कवर ना कर पाए। आप सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे, इस टास्क को आराम से कवर करेंगे। इसी तरह से इसको डिजाइन किया गया है। तो देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये टास्क बढ़ता चला जाता है। देखिए, आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये डे आपको 18 देखने को मिलेगा, मतलब 18वें दिन आपको क्या पढ़ना था, एनसीईआरटी क्लास 11th की आपको पढ़नी थी। उसमें कौन कौन से लेसन पढ़ने थे वो भी हम बता देते हैं। जैसे लेसन नंबर 13 और लेसन नंबर 14 ये आपको पढ़ना था। इसके अलावा मैपिंग टास्क, इस तरह से मैपिंग लोकेशन डेली दी जाती है, इन्हें आपको एटलास में देखना होता है, फिर लोकेट करना होता है। तो देखिए, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा टास्क और बढ़ जाएगा। Day 31 मतलब 31वें दिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने के लिए दिया जाता है और क्या रिविजन करना है, क्या करना है, ये सब कुछ बता दिया जाता है। तो देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि रिविजन और भी ये बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। देखिए, हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, ये आपको पढ़नी थी, रिविजन करना था, टास्क नंबर 1 का आधा रिविजन करना था, तो रिविजन भी अब ऐड हो गया हल्के से। और आप देखेंगे कि एडिटोरियल यानी कि करंट अफेयर भी अब इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, और साथ में मैपिंग लोकेशन तो वो डेली चलती ही चलती है। तो देखिए, सारे यहाँ पर इसी तरह से टास्क आपको डेली मिलता है, तो सब तो आपको नहीं दिखा सकते। तो ये आपको अलग मिलेगा जो अचीवर बैच में एडमिशन लेंगे, ये सेकंड फाउंडेशन बैच का आपको टास्क देखने को मिलेगा। तो एक हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, यही आपकी स्मार्ट स्टडी कराएगा। तो चलिए, अभी हम लोग आते हैं अपने अचीवर बैच के ऊपर। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कौन कौन इसे ज्वाइन कर सकता है, कैसे आपको इसको परचेज करना है और कौन सा कूपन कोड यूज करना है और आपको इसे क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो सब कुछ हम सविस्तार बात करते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों को जो समस्या आ रही है ना, उस समस्या का समाधान आपको 110% आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो देखिए यहाँ पर आप लोग मात्र 99 रुपए प्रति माह की दर से आप इसको परचेज कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट करने पर 999 रुपए सिर्फ लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 1300 से 1400 रुपए का कूपन कोड है वो आपको मिल जाया करेगा। कूपन कोड अभी आपको बता देंगे। तो ये हमारी ऐप है क्लब आईएसएस फ्रेंड, जाकर के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए और नीचे भी यहाँ पर लिंक दे दिया जाएगा। अब देखिए अचीवर बैच में आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी ही बताई जाती है और सब कुछ सिस्टमेटिक रूप से बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि रणनीति होती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों को पता है कि जो कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, अगर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, मुकाम को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके पास एक बेहतरीन रणनीति होनी चाहिए। चंगेज खान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो चंगेज खान था ना, वो एकदम टिन्ना सा था और वो उसने विश्व में कितने देशों को हराया, मतलब एक छोटा सा। वो क्या करता था, पहले आता था एकदम जोर जोश में आता था और फिर जाकर के लौट जाता था। फिर सेना को सामने लगता था ना कि लगता है अब ये क्या है, अब ये डर के भाग रहे हैं। लेकिन चंगेज खान जैसे ही वो लोग सोचते थे कि ये चंगेज खान डर के भाग रहे हैं, फिर वो पलट के बार करता था, क्योंकि उनकी सेना होती थी फिर वो अस्त व्यस्त थोड़ी सी हो जाती और इतनी तीव्र गति से वो हमला करता था कि वहां पर उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। चंगेज खान हमेशा इसी स्ट्रेटजी का उपयोग करता था। तो स्ट्रेटजी रणनीति ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। यूपीएससी एक मैराथन है और इसको जीतने के लिए आप लोग ऐसे आंख बंद करके नहीं भाग सकते। इसके लिए बहुत ही ध्यान रख करके आपको किस टाइम पर क्या करना है, फूक फूक करके कदम उठाना पड़ेगा। तो रणनीति विहीन व्यक्ति जो होता है ना, वो उसी योद्धा के समान होता है जो अपने रणभूमि में खड़ा तो है लेकिन उसके पास अपने अस्त्र और शस्त्र नहीं है। तो आपके अंदर भी अगर एबिलिटी है, आपके अंदर भी वो जुनून है, लेकिन अगर आपके पास सही रणनीति नहीं है तो आप क्या करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम थर्ड बैच यहाँ पर लॉन्च किया जिसका नाम है अचीवर बैच। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए ये ऐप है, ऐप में आपको क्या क्या मिलेगा। तो जब भी कोई तैयारी स्टार्ट करता है ना, वो सोचता है उसको सबसे पहले जिस चीज की नीड होती है वो होती है एक एनवायरमेंट की, यानी कि उस तरह के माहौल की जरूरत होती है। अगर आप लोग आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस तरह के माहौल भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारी ऐप है, यहाँ पर इस प्रकार का एनवायरमेंट आपको मिलेगा। आपको सेम तरह के स्टूडेंट मिलेंगे, क्योंकि आप लोग तैयारी करते हैं तो सोचते हैं यार सेम तरह के स्टूडेंट होते हैं। जहां पर मैं जैसे आईएएस की तैयारी करता हूं तो सभी आईएएस की तैयारी करने वाले क्यों ना होते हैं। तो यहां पर आपको जिस ग्रुप में ऐड किया जाएगा वहां पर सिर्फ आईएएस और पीसीएस की ही तैयारी करने वाले होंगे और कोई तैयारी करने वाला नहीं होगा। तो आप देखेंगे उसका अप्रोच कैसा है, क्या है। तो आप लोग हमेशा मोटिवेट रहेंगे, यार वो उसने टास्क क्वेश्चन लिख करके दे दिया, अभी तक मैं क्यों नहीं दिया। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर गाइडेंस दिया जाता है, इसके अलावा बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताई जाती है, डेली टास्क दिया जाता है जो अभी हम आपको दिखाई थे। इस डेली टास्क को आप लोगों को कंप्लीट करना होता है। आप लोग डिस्कशन करने का मौका मिलता है जूम मीटिंग पर, इस हफ्ते में 3 बार मिलता है। ये लगभग में आपको 3 महीने पहले आपको पढ़ाया जाता है बेसिक, फिर 3 महीने के बाद जूम मीटिंग्स कराई जाती है और ये जूम मीटिंग्स लगभग में 2 साल तक चलती है। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब डिस्कशन करेंगे तो आपको मौका मिलेगा अपने आप को इम्प्रूव करने का, और यहाँ पर जो टेस्ट हैं वो भी कराए जाते हैं, और इन टेस्ट के थ्रू आप लोग अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं और आंसर राइटिंग करते हैं। तो आंसर राइटिंग करके भी आप अपने अपने का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। ओके, तो जिससे आपको एक मौका मिलता है कि यार मैं यहाँ पर वीक हूँ, मुझे यहाँ पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि हम आपको पूरे 1.5-2 साल का डेटा प्रोवाइड कराते हैं। जो भी आप टेस्ट दिया करेंगे उसका पूरा डेटा हमारे पास होता है। वो डेटा में आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारा ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, तो आप लोग समझ जाएंगे अच्छा अभी मेरा थोड़ा सा ज्योग्राफी इन्वायरमेंट थोड़ा सा वीक है, मुझे थोड़ा सा इन्वायरमेंट पे फोकस करना चाहिए। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, लिमिटेड और बेस्ट, दो चीजें, भटकाओ नहीं। ओके, भटकाओ नहीं तो नहीं, और साथ में अगर आपके डाउट्स होते हैं उनको भी क्लियर किया जाता है। एक्स्ट्रा क्लासेस की नीड होती है वो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। ये सब कुछ हमारी ऐप के अंदर चलता है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि अभी हम बता दिए हैं इसके बारे में, वन टाइम पेमेंट करने के बारे में और 99 रुपीज के बारे में अभी आपको बता दिए। तो ये हमारा अचीवर बैच है, इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आखिर ये कितने महीने तक चलेगा, क्या चलेगा, इसके बारे में भी तो थोड़ा सा जान लें अचीवर बैच के बारे में। तो देखिये जो अचीवर बैच है वैसे 2 साल इसकी ड्यूरेशन है। ओके, तो 2 साल ड्यूरेशन है, लेकिन इसका सिलेबस है, मतलब आईएएस का पूरा सिलेबस है वो 15 महीने में कवर करा दिया जाएगा। तो 15 महीने में यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पीटी जीएस फर्स्ट पेपर है,
वो आपको इसी प्रोग्राम के अंतर्गत कवर कराया जाएगा। साथ में मेंस का एक ऐसे पेपर होता है वो आपको कवर कराया जाएगा, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर, जीएस थर्ड पेपर, जीएस फोर्थ पेपर आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। इसके अलावा टेस्ट और आंसर राइटिंग, मैपिंग और करंट अफेयर भी इसी प्रोग्राम के अंतर्गत मिलेगा। लेकिन ये तो आपको प्रोग्राम के अंतर्गत जो आपने फीस पे की है उसके थ्रू हम इतना सब कुछ आपको ऐप के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा भी हम आप लोगों के लिए देंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यहाँ पर सीसेट की क्लासेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग यूपी बिहार से हैं और इनके पीसीएस देते हैं तो यूपी बिहार स्पेशल है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, और इंटरव्यू की तैयारी आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, तो एक्स्ट्रा भी हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं। ओके, इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि कितने टेस्ट मिलेंगे, 72 टेस्ट होंगे। ये टेस्ट होता है इस संडे को होता है और सेम पैटर्न पर होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, माइनस मार्किंग होते हैं, 2 घंटे का समय होता है। जैसे वो पैटर्न होता है इसका वैसी सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ये ऐप के ऊपर ही हमारा होता है। ओके, इसके अलावा 20,000 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, आप कभी भी लगा सकते हैं। जैसे ये ऊपर वाले 72 टेस्ट हैं ये तो आपको देखने को मिलेंगे हमारी ऐप पर, लेकिन जो 20,000 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करेंगे, आप जब भी मानो तब आप लोग आकर के लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं डेली टास्क, तो डेली टास्क है इसके थ्रू आप लोग स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। लाइव क्लासेस है वो 6 दिन आप लोगों की वीक में चला करेगी, मतलब सप्ते में 6 दिन आप लोगों की लाइव क्लासेस चला करेगी, 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये लाइव क्लासेस है हमारी ऐप के ऊपर चलती है। इसके अलावा आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास भी चलती है, एक्स्ट्रा क्लास 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक ये हमारे YouTube चैनल पर चलती है। यहाँ पर अभी आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कराया जाता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम बताए थे इधर वाला, ये सब कुछ हमारी YouTube चैनल पर कवर कराया जाएगा, और जो हमने यहाँ पर येल्लो कलर से लिखा है ये सब कुछ हमारी ऐप के ऊपर होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि संडे को डाउट क्लियरेंस सेशन भी होते हैं, अब एक्स्ट्रा क्लास भी होती है, मैराथन क्लासेस भी संडे को चलती हैं। इसके अलावा 700 आवर की क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, सब्जेक्टिव यानी कि पूरा सिलेबस है इसके अंदर हम 700 आवर में ही आपका कवर करा देंगे, 350 आवर ये एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, इसके अलावा जूम मीटिंग के थ्रू आप लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिससे इंटरव्यू को भी तो आपको फेस करना है ना, उसको कैसे फेस करेंगे, तो हिंदी मीडियम वालों को ये सबसे बड़ी समस्या आती है, वो इंटरव्यू को फेस नहीं कर पाते, तो यहाँ पर ये समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेंस की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है वो भी होती है, ये तो अभी हमारी यूट्यूब चैनल पर भी आपको कराई जाती है और ऐप के ऊपर भी कराई जाती है, जहां भी अगर करना चाहते हैं वहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा 140 घंटे की आपको सी सेट की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और बिहार और यूपी स्पेशल जो अभी हम आपको बताए थे। लेकिन कितने घंटे की क्लास कौन से सब्जेक्ट पे पड़ेंगे मिलेंगी वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर आपको 90 घंटे की क्लास मिलने वाली है। साथ में आपको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर 80 घंटे की क्लास मिलने वाली है। गवर्नेंस है वहां पर आपको 30 घंटे की क्लास मिलेगी। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट है मैपिंग पर आप लोग देख सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी 50 घंटे की क्लासेस चलेगी। इंडियन ज्योग्राफी पर आप लोग देख सकते हैं 40 घंटे की क्लास चलेगी। एनवायरनमेंट पर 40 घंटे की क्लास चलेगी। मैपिंग पर 30 घंटे की क्लासेस चलेगी। इसके अलावा आप लोग हिस्ट्री का देख सकते हैं तो हिस्ट्री पर आप लोगों की 30 घंटे की क्लास चलने वाली है। एशियंट हिस्ट्री पर, मेडिवल हिस्ट्री पर 20 घंटे की, मॉडर्न हिस्ट्री पर 40 घंटे की, और वर्ल्ड हिस्ट्री जो मेंस का टॉपिक है प्री में नहीं पूछता है ये भी आपको देखने को मिलेगा 20 घंटे। आर्ट एंड कल्चर है ये भी 20 घंटे की क्लासेस चलेगी। इसके अलावा साइंस टेक और स्पेस और सोशल जस्टिस है ये आपकी 80 घंटे की क्लासेस चलेंगी, और साथ में आप लोग देख सकते हैं सोसाइटी इस पर 40 घंटे की क्लास चलेगी, और एथिक्स है यहाँ पर 60 घंटे की क्लास चलेगी। डेली आप लोगों की क्लास है वो 4 घंटे की चलती है और 2 घंटे की होती है वो आपकी सब्जेक्टिव होती है, हमारी ऐप पर चलती है 7 बजे से 9 बजे तक। ओके, इसके अलावा 5 बजे से 7 बजे तक आप लोगों की 1 घंटे से 2 घंटे की क्लास चलती है, हमारी YouTube चैनल पर चलती है। जो ये क्लासेस है ना, ये सारी क्लासेस, ये सभी की सभी क्लासेस हैं, ये चलेंगी हमारी ऐप के ऊपर। ओके, इन्हीं का आपको पैसा पे करना है जो अभी हम आपको बताए थे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 15 महीने कैसे कम्प्लीट होंगे, 15 मंथ है कैसे कम्प्लीट होंगे, तो ये पूरा सिलेबस दिख रहा है ये 15 महीने में कवर करा दिया जाएगा, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं वो भी इन्हीं 15 महीने में कवर होगा। तो देखिए ये टोटल आप मिलाएंगे ना तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 350 दिन हो जाते हैं। ओके, 350 दिन मतलब 700 घंटे इन सभी को मिलाएंगे, 700 घंटे हो जाएंगे, यानी कि 350 दिन है वो आपकी सब्जेक्टिव क्लास चलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे इन 15 महीने के अंदर संडे भी तो पड़ेंगे, तो लगभग में 62 संडे हैं, तो 62 संडे में 60 टेस्ट आपके कराए जाएंगे यहाँ पर,
और साथ में आप देख सकते हैं कि हॉलीडे भी बीच में, जैसे होली, दीपावली, ईद, कुछ छुट्टियां हो जाती हैं, तो 15 महीने के अंदर 30 छुट्टियां भी हम लोग मान के चलते हैं, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 15 महीने हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और अभी भी आपके 7 महीने बचेंगे क्योंकि हम ये 2 साल तक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ना, तो अभी भी आपके पास शेष समय होगा। उस शेष समय में भी हम आपको जो क्रैश कोर्स होगा उसके थ्रू आप लोगों की रिवीजन करा दिया करेंगे, आपके मेंस की आंसर राइटिंग करा दिया करेंगे। जो लोग हमसे जुड़े रहना चाहते हैं इसके बाद भी, वो लोग हमसे हमेशा जुड़े रह सकते हैं, और रिकॉर्डेड क्लास आप लोग आगे देख सकते हैं जब जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। ओके, तो ये रिकॉर्डेड क्लास हमेशा पढ़ी रह सकते हैं। ये देखिए वही है, बस इसमें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ओके, तो देखिए इसमें एडमिशन कब कब ले सकते हैं आप लोग, चलिए इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। इसका नाम है अचीवर बैच, जीएस फाउंडेशन बैच है, वैसे इसका जो नाम रखा गया है वो अचीवर बैच रखा गया, अभी आपको बताएंगे अभी इसका नाम है वो अचीवर बैच क्यों रखा गया है। तो देखिए इसमें एडमिशन कब कब ले सकते हैं, तो देखिए अभी जनवरी में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका, जो जो आपको देखने को मिलेगा इसमें इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, यानी कि एक पार्ट है, ये दो पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है, ये पांचवा पार्ट है, छठा पार्ट है, सातवां पार्ट, यानी कि 7 पार्ट में पूरे सिलेबस को विभाजित कर दिया गया है। एक पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो आप लोग इस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। ये वाला पार्ट है जो ज्योग्राफी वाला, ये 3 जनवरी 2022 को, 2022 को ये स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग आकर के एडमिशन ले सकते हैं, इससे पहले ही आप लोग एडमिशन ले लीजिए। 3 जनवरी को आपको पहली आपकी सेमिनार क्लास होने वाली है, जिसमें आपको पूरी रणनीति के बारे में बताया जाएगा और आपकी क्लासेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। फिर जनवरी के बाद फरवरी में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, इन्वायरमेंट आप लोगों का फरवरी के समय चल रहा होगा तो वहां से भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। फिर आप लोग देखेंगे मार्च में, ओके, मार्च के समय जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका हिस्ट्री स्टार्ट होगा। जो भी कहीं से भी एडमिशन लेगा, मानते हैं किसी ने, मानते हैं कि यहाँ से एडमिशन लिया, तीसरे नंबर से एडमिशन लिया, ओके, तो लगभग 15 महीने में आपके 8-10 बार हैं वो आपके एडमिशन ओपन होंगे। तो जो लोग बीच में एडमिशन लेंगे तो कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर नई क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, तो जैसे ही नई क्लासेस स्टार्ट होंगी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आप कहीं भी एडमिशन लीजिए ये 15 महीने का रोटेशन है वो वहां पर ही समाप्त होगा। जैसे मानते हैं किसी ने फरवरी में एडमिशन लिया इन्वायरमेंट पे, तो 15 महीने के बाद आकर के वो इन्वायरमेंट में ही खत्म हो जाएगा, तो एडमिशन आप लोग कभी भी लीजिए, इसमें आप लोगों का सिलेबस 15 महीने के अंदर ही खत्म होगा और आप लोगों को टास्क उसी तरह से आप लोगों को दिया जाएगा। तो यानी कि इन 15 महीने में 7 बार एडमिशन इस बैच में ओपन होंगे और इसी तरह से सर्कल चला करेगा। 15 महीने आपके कंप्लीट होने के बाद आपको एक अलग ग्रुप में ट्रांसफर किया जाएगा, उस ग्रुप में आपको एक्स्ट्रा चीजें फिर मिला करेंगी। ओके, ये पूरा सिलेबस 15 महीने में कवर हो जाएगा और रिकॉर्डेड क्लास भी होंगी। ये रिकॉर्डेड क्लास को आप 2 साल तक देख सकते हैं इसमें जो सब पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। तो ये डाउट क्लियर हो गया कि एडमिशन कब ले सकते हैं, तो एडमिशन आप लोग जो 15 महीने में 7 बार एडमिशन ओपन होंगे तो आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए, जब भी एडमिशन ओपन होगा तो आप लोग एडमिशन ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं, देखिए जो हमारा सेकंड फाउंडेशन बैच है उसमें भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। देखिए जो लोग 2022 में पीटी दे रहे हैं, 2022 में पीटी एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग हमारे सेकंड फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर मई 2022 तक पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, और यहाँ पर जो कुछ क्लासेस हो गई हैं वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी और लाइव क्लासेस भी यहाँ पर चलती है, तो आप लोग यहाँ पर लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लास के थ्रू मई 2022 तक पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, सब कुछ ए टू जेड दिया जाता है। ये हमारा ओल्ड बैच है, ओके, और न्यू बैच कौन सा है, जो अचीवर बैच है, ये एकदम फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। ये कब स्टार्ट हो रहा है, ये 3 जनवरी से स्टार्ट, 3 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रहा है, और ये वो लोग ज्वाइन करें जिन्हें जो पेपर देना है, मतलब एग्जाम जिन लोगों को देना है वो 2023 में पीटी एग्जाम जो लोग दे रहे हैं या फिर उसके बाद में कभी दे रहे हैं वो लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है, अगर कोई लोग ग्रेजुएशन अभी कर रहा है लेकिन तैयारी करना चाहते हैं वो अचीवर बैच में एडमिशन ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति है वो हाउस वाइफ है या फिर जॉब करता है कोई, तो वो सभी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इसको इसी तरह से डिजाइन किया गया है, 7 बजे से क्लासेस होंगी तो हर कोई यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। ओके, तो इसीलिए इसकी टाइमिंग भी इसी तरह से रखी गई, इसका टास्क भी उसी तरह से डिजाइन किया जाएगा, सब कुछ उसी अनुसार आप लोगों का चलेगा। देखिए यहाँ पर एक तरफ कोचिंग है, दूसरी तरफ हमारा क्लब है,
तो हम क्लब को क्यों ज्वाइन करें और कोचिंग को हम क्यों ज्वाइन करें। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि कोचिंग की फीस है वो 2 से 3 लाख होती है, लेकिन हमारी कोच हमारे क्लब की जो फीस है, मतलब इसको एक तरह से फीस मत मानिए, क्योंकि यहाँ पर इससे जितना यहाँ पर हम ले रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा की चीजें हमको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 99 रुपए पर मंथ है, और साथ में आप देख सकते हैं कि कोचिंग है वो सिलेबस कवर कराती है। हम सिलेबस को ना केवल कवर कराते हैं बल्कि आपको अंडरस्टैंड कराते हैं। कोचिंग में आप लोग एडमिशन ले लीजिए, वहां पर प्रोफेशनल होगा भाई, आओ पढ़ने ना आओ कोई मतलब नहीं, बस पैसा दे दो 2 लाख आगे ठीक है, लेकिन हम एक ह्यूमैनिटी के नाते आपको एक सपोर्ट करते हैं, आपके सारी कंडीशन को देखते हुए आपके बारे में सोचते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कोचिंग में कहते हैं हमको फॉलो करो और सिर्फ हमारी कोचिंग का स्टडी मटेरियल पढ़ो, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। क्लब में हम कहेंगे कि हमारे स्टडी मटेरियल हमारी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं करिए, इसके अलावा आप लोगों को कोई अदर से पढ़ना है पढ़िए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप कोई भी बुक पढ़िए आप आराम से पढ़ सकते हैं, बस आप लोग ला करके बताइए हमको। हम यहाँ पर आईएस बाबा की मैगजीन पढ़ रहे थे, ये लाइन हमको समझ में नहीं आई, तो हम ये क्यों बोलेंगे, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलने वाले कि आप आईएस बाबा की मैगजीन क्यों लेकर के आए, हमारी मैगजीन क्यों नहीं पढ़ रहे, ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे। ओके, तो कोई भी मटेरियल है वो आप फॉलो करते हैं, आराम से फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर कभी भी कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी। ओके, और टीचर यहाँ पर कोचिंग में आप देखेंगे टीचर होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं ठीक करते हैं, लेकिन हम आपको बनाते हैं मेक करते हैं हम आपको। साथ में कोचिंग वाले कहते हैं हमको कॉपी करो, हम कहते हैं कॉपी मत करो, हमको हमसे सीखो, हम जो पैटर्न है आप लोग करंट अफेयर की वीडियो देखिए जाकर के, उसमें हमने आपको अप्रोच सिखाया है। टीचर से बहुत कम सिखाते हैं क्योंकि उनकी भी एक चीज होनी चाहिए ना, तभी तो उनकी मार्केट बनी रहेगी, लेकिन हम आपको यही सिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। देखिए कोचिंग वाले होते हैं वो अपन आपके परफॉर्मेंस पे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे टाइम नहीं देते, ना ही देखते आप कैसा ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो आएंगे क्लास देंगे, टेस्ट देना है तो दो, नहीं देना तो कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं आपको इंडिविजुअली हम आपको गाइड करते हैं, साथ में देखते हैं, आपके ऊपर विजिलेंस रखते हैं कि आप कोई समस्या तो नहीं है आपके साथ में, आपका ये टॉपिक कमजोर है तो आपका क्यों कमजोर है, क्या समस्या, तो आप लोगों का जैसे मानते हैं किसी का ज्योग्राफी कमजोर है और एक स्टूडेंट है उसका ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग है, तो उन स्टूडेंटों को उन ग्रुप के साथ मिला दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी ज्योग्राफी से रिलेटेड डाउट है तो इस इन स्टूडेंटों से आप पूछ सकते हैं। तो आपको 24/7 आप लोगों को यहाँ पर हेल्प मिलेगी, ये बहुत अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी। ऐसे इसी तरह से कोई किसी का हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगा तो वो हिस्ट्री से वाले से जाकर के पूछ सकता है। ओके, तो ये चीज बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। कोचिंग में आपको क्लासेस, आंसर राइटिंग, स्टडी मटेरियल मिलता है, ये चीज हम भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, क्लासेस, लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, स्टडी मटेरियल हम भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेली टास्क है वो आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाता है कोचिंग के अंदर। ओके, और ना ही वीकली टास्क यहाँ पर कवर कराया जाता है, लेकिन हम आपको डेली और वीकली टास्क हम आपको देते हैं जिससे आप लोग स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो कोचिंग है इनका एक प्लस पॉइंट है कि ये ऑफलाइन भी क्लासेस देते हैं और साथ में ऑनलाइन भी देते हैं, लेकिन हम आपको अभी सिर्फ ऑनलाइन देते हैं, लेकिन ऑफलाइन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसकी फीस आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, वहां पर आपकी 25,000 फीस लगेगी वहां पर ऑफलाइन। अगर आप लोग प्रयागराज में आकर के पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, फिर वो 99 रुपए में आप लोगों को नहीं मिल पाएगी क्योंकि एक संस्थान की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से देखिए ये हमारा पुराना बैच है, सेकंड फाउंडेशन बैच का, आप लोग देख सकते हैं ये अचीवर बैच है, ये अभी हमने पब्लिश किया है, मतलब अभी से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, अभी जस्ट हमने इसको पब्लिश किया है। तो यहाँ पर मतलब जो पुराने स्टूडेंट है वो यहाँ पर एड है, इस तरह से उनके टेस्ट होते हैं, इसी तरह से आप लोगों के टेस्ट हुआ करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला है इस सेकंड फाउंडेशन बैच है, ये आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम रहती है एसएससी वालों के लिए, इसमें आप लोगों को एडमिशन नहीं लेना है। और ये तीसरे नंबर पे आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है अचीवर बैच, तो अचीवर बैच हो सकता है आप ऊपर आए, अचीवर बैच हमने अभी इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर दिया है, तो हो सकता है अचीवर बैच आपको ऐप में ऊपर देखने को मिलेगा। ओके, तो इसी में आपको क्लिक करके इनरोल करना है। तो इनरोल कैसे करना है, और जो लोग 2022 में पीटी अटेंड कर रहे हैं वो लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं सेकंड फाउंडेशन बैच में। ओके, और जो लोग 1.5 साल जिन लोगों के पास में या फिर उससे ज्यादा समय वो लोग अचीवर बैच में एडमिशन ले, ये एकदम नया बैच है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह से आपको पेमेंट करना है, क्या करना है। तो आपको देखिए यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर दिख रहा है, यहाँ पर जाना है, इस तरफ साइड में देखिए मोबाइल चल रहा है, यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पे जाना है
और सर्च करना है क्लब आई एस स्प्रेंड, वैसे लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बस क्लिक करिए जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए। ओके तो देखिए इस तरह से हमारी ऐप दिख जाएगी। इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद सिंपली रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फ्री क्लासेस है, आप लोग इनको भी देख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर देखिए फ्री जो टेस्ट है वो भी पड़े हुए, आप लोग इनको भी फ्री टेस्ट को भी दे सकते हैं। ओके तो इनको अटेम्प्ट करना चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको देखिए नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा स्टोर का ऑप्शन, देखिए ये होम दिख रहा है, ये स्टोर दिख रहा है, तो स्टोर वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, तो जैसे अचीवर बैच देखिए ऊपर आ रहा है, तो इसी पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग अचीवर बैच पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया रखा है, ये पढ़ना चाहते तो आप लोग पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे देखिए इस तरह से स्क्रॉल करके, तो देखिए नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, मतलब वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कूपन कोड अवेलेबल दिख रहा है ना, तो यहाँ पर व्यू नाउ पर क्लिक करना है तो बहुत सारे कूपन कोड दिख जाएंगे। इसके अलावा देखिए पे इन इंस्टॉलमेंट, मतलब 99 रुपए प्रति मंथ लेना चाहते हैं तो पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से कूपन कोड अप्लाइड किया जाता है। तो देखिए इस तरह से बहुत सारे कूपन कोड होंगे, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कूपन कोड नहीं है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी अदर जगह से आप लोग आए हैं तो वहां पर कूपन कोड कोई बताया गया होगा तो वो वाला आप लोग डाल सकते हैं। तो देखिए जैसे कूपन कोड डालेंगे तो इसकी फीस कम हो जाती है, 999 रुपए हो जाती है वन टाइम पेमेंट। तो जिस भी स्टेट से वो स्टेट सेलेक्ट करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है, आगे प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको जीमेल आईडी पूछेगा, तो एक अपनी जीमेल आईडी डाल दीजिए, जैसे हम अपनी जीमेल आईडी यहाँ पर डाल देते हैं। तो जैसे ही हम जीमेल आईडी डालेंगे तो प्रोसीड पर क्लिक करना है, तो सभी लोग ऐसे कर लेते हैं, फिर भी बता देते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए एटीएम कार्ड से आप लोग कर सकते हैं, एटीएम कार्ड होता है ना तो उसी पर सारी डिटेल दे रखी होती है, जैसे कार्ड नंबर होता है 16 अंकों का लगभग में होता है, एक्सपायरी डेट आपको देखने को मिल जाएगी, कार्ड होल्डर नेम देखने को मिल जाएगा, और पीछे सीबीवी वो पट्टी होती है व्हाइट पट्टी, उसी पे सीबीवी नंबर पड़ा हुआ होता है, 3 अंक लास्ट के होते हैं, वो डाल दीजिए और पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए, फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। वो पेमेंट कैसे होगा, ओटीपी आएगा उस नंबर पर जो बैंक में रजिस्टर होगा, तब डाल देना है वो ओटीपी यहाँ पर, फिर वो फाइनल हो जाता है। ओके ये जो यूपीआई आईडी से मतलब पेमेंट करना चाहते हैं तो वो यूपीआई आईडी वाला ऑप्शन है वो चूज कर ले, यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी डालनी है और पे नाउ पर क्लिक करना है। तो वैसे ही 999 रुपए हैं वो उस ऐप में जाएगा, मतलब मैसेज आएगा, पॉपअप आएगा कि आप 999 रुपए पे करना चाहते हैं, उसी ऐप में जाकर के आपको यस पर या फिर जो भी होगा एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है, वैसे ही पेमेंट हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग को एडमिशन हो जाएगा। या फिर आप लोग अदर कोई ऑप्शन लेना चाहते हैं जैसे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर आप लोग वॉलेट चलाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, जिस भी ऑप्शन से आप लोग पे करना चाहते हैं उन ऑप्शन से आप लोग पे कर सकते हैं। और कोई भी समस्या आती है तो हमारा नंबर है 8193885282, नीचे चल भी रहा होगा स्क्रॉल में, तो वहां से आप लोग उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं, तो देखिए इंस्टॉलमेंट में कैसे करना है, तो इंस्टॉलमेंट वाले पर क्लिक करना है, जैसे अभी हम आपको दिखाई थे तो अभी ये ब्लैक हो गया क्योंकि ये बैंक पर रिडायरेक्ट होता है, तो बैंक की पॉलिसी होती है तो वो थोड़ा ब्लैक कर दिया, अभी आता है स्क्रीन देखिए। अब देखिए यहाँ पर वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर देखिए 99 रुपए दिखा रहा है ना सिर्फ, यानी कि ये मंथली चार्ज वाला है, इंस्टॉलमेंट वाले पर आपको क्लिक करना होता है। तो वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, अगर कोई भी समस्या है तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर लेना हमसे, वैसे तो सेम मेथड है जैसे अभी हम बताए थे, वैसे ही आप लोग ले सकते हैं। ओके और अगर आपको कोई भी समस्या आती तो यहाँ पर नीचे चैट नाउ का ऑप्शन आता है, तो वहां से भी हम इस तरह से मैसेज कर सकते हैं। ओके तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, देखिए ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिली हैं। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं और हम आपका पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि हम सब कुछ आपको इतने कम में प्रोवाइड करा रहे हैं। और देखिए एक एक्स्ट्रा चीज भी हम लॉन्च किए हैं, टॉप 50 ग्रुप एक लॉन्च किए हैं, जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो डेली रेगुलर रहते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, टेस्ट देते हैं, उनको इस टॉप 50 ग्रुप में ऐड किया जाता है और यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट उन लोगों को दिया जाता है। तो इसके बारे में भी इसको 3 महीने के बाद हम लोगों को बताया जाता है और यहाँ पर ऐड किया जाता है, पुराने स्टूडेंट है वो इसमें ऐड है। तो आप लोग भी, हम उम्मीद करते हैं आप लोग आएंगे, अच्छे से सपोर्ट करेंगे, अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, आपको सब कुछ जितना चाहिए उससे हम एक्स्ट्रा ही आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। ओके।